बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन की कीमतें हमने 6900 भी पिछले कारोबारी सप्ताह जाते हुए देखी, हालांकि वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली, और वहीं आज देख रहे हैं कि 6490 के घरों में ट्रेड करती नजर आ रही है दिसंबर वायदा। आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से जो 400-500 पॉइंट की जो नरमी एकदम से बनती नजर आई है, क्या यहाँ से करेक्शन अभी और गहराएगी, या फिर ये जो लो लेवल्स देखने को मिली है 3% का लोअर सर्किट देखने को मिला हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, ये अच्छे लेवल्स हैं सोयाबीन में ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाने के? देखिए बिल्कुल, ये जो है सोयाबीन में जो गिरावट आई है 3% का आज सर्किट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड तो है कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और ये लेवल्स जो है अट्रैक्टिव हो सकते हैं खरीदारी के लिए। और अगर बात की जाए हमें जनवरी वायदा की, तो बिल्कुल इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा और वेट कीजिए, अगर करेक्शन आती है तो वहां पर वापिस से खरीदारी करके चला जा सकता है। तो यानी कि सोयाबीन में खरीदारी करने के लिए थोड़ा थोड़ा रुक जाए, थोड़ी और करेक्शन आने दे, जब थोड़े और निचले स्तर देखने को मिले तब वहाँ पे खरीदारी की रणनीति अपनाएं और फिर वहाँ पे ऊपर निचले स्तर पर खरीदारी करके ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाएं। रूपा जी, यहाँ से अगर निचले स्तर और देखने को मिलते हैं सोयाबीन के, तो ऊपरी स्तर क्या देखने को मिल पाएंगे? देखिए एक बार आप अपना सवाल दोहराइए। रूपा जी, जैसे हम देख रहे हैं कि सोयाबीन में अभी 6490 के स्तर पर ट्रेड होता नजर आ रहा है, अगर कीमतें यहाँ से और टूटती हैं तो हम ऊपर में क्या लेवल्स देख पाएंगे सोयाबीन के अंदर? देखिए अगर ऊपरी स्तरों की बात करें तो अखिलेश ऊपर में अभी जो एक्सपेक्टेड है वो 6800 तक मैक्सिमम तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जनवरी वायदा में देखने को मिल सकती है, और नीचे में 6200 का स्तर हो सकता है कि आता हुआ दिखाई दे। तो ये लेवल्स हैं अभी नीचे में, जिस तरीके से आज 3% का करेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीछे हमने बहुत अच्छी रैली आते हुए देखी है, उसके चलते अब करेक्शन का जोन आ चुका है, और अभी यहाँ से हो सकता है आज आपको इंट्राडे में 4% तक की गिरावट देखने को मिले, यानी करंट लेवल से भी 100 से 150 पॉइंट की गिरावट बन सकती है।